जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसकी गिनती जारी है, रुझान आ रहे हैं। 224 सीटों पर कांग्रेस रुझानों में सरकार बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी के बड़े नेता कुछ इस तरह का बयान दे रहे हैं कि शायद ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे अपनी हार को एक्सेप्ट कर रहे हैं। शाम होते होते पूरी राजनीतिक गलियारों में साफ हो जाएगा कि इस समय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं, लेकिन कांग्रेस को बढ़त है इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने जब पूरी विश्लेषण किया, कई रिपोर्टर से बातचीत की, कई एक्सपर्ट से बातचीत की, तो दो अहम चीज़ें सामने निकल के आईं। पहला, लोकल मुद्दे अहम थे इस बार कर्नाटक के चुनाव में, जो कि बीजेपी के विपक्ष में गए। दूसरी बात, कांग्रेस ने इस बार कंसोलिडेटेड होके, यानी कि उसका सेंटर और उसका स्टेट की टीम ने इकट्ठे मिलकर काफ़ी दम लगाया, जिससे एंटी इनकम्बेंसी का बेनिफिट उनके हाथ में आया। अब आती है बीजेपी की बात। बीजेपी को डैमेज ज़्यादा हो सकता था, लेकिन लास्ट में जो बड़े रोड शोज़ किए गए और बड़े चुनावी प्रचार प्रसार हुआ, उससे काफ़ी हद तक बीजेपी अपने आप को ठीक ठाक पोजीशंस में रखने में कामयाब हो गई। एक और फैक्टर साथ में चल रहा था कर्नाटक में, वो था जेडीएस का, और कुमार स्वामी हमेशा की तरह यही कह रहे थे कि अगर वो एक किंग मेकर की भूमिका में आते हैं तो इस बार मुख्यमंत्री के फिर से दावेदार हो जाएंगे। हालांकि अभी तक का मैंडेट ये बता रहा है कि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कांग्रेस अपने ही दम पर सरकार बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। लेकिन एक और बात निकल के आती है कि कांग्रेस के बीच की जो आपस की दो खेमों में बटी हुई कांग्रेस है, खासकर कर्नाटक में सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच में, क्या ये आसानी से मैटर सुलझ जाएगा? ये हम जैसा देख रहे हैं वैसा ही होगा, या फिर इसमें अभी और खींचतान होना बाकी है? आपके मन में भी कई सवाल चल रहे होंगे कर्नाटक के चुनाव को लेकर। देश में 2024 के अंदर जब केंद्र सरकार के चुनाव होंगे, उसके क्या समीकरण हैं? ये साल पूरा चुनावों का साल है, इसलिए समझना जरूरी होगा। हमने एक दो नहीं बल्कि चार चार एक्सपर्ट अपने साथ जोड़े हैं, जो हम पूरा मामले को समझने की कोशिश करेंगे इसी कर्नाटक चुनाव की दहलीज पे खड़े होकर। मेरे साथ विशाल मिश्रा होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मयूर पारिक हैं, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विवेक सिंह होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो चार मेहमानों का हमने पैनल को गठित कर दिया है और इनसे चर्चा करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा माजरा आखिर कितना लंबा हो सकता है, कांग्रेस के लिए कितना बेनिफिशियरी और बीजेपी के लिए क्या है ये। सबसे पहले आते हैं मिश्रा जी आपके पास में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी आपका, आज आपने समय दिया, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। कर्नाटक के चुनाव वैसे देखा जाए तो दक्षिण भारत के बड़े राज्यों में एक चुनाव था जिसमें सत्ता परिवर्तन होता दिख रहा है। क्या दक्षिण भारत की राजनीति उत्तर भारत की राजनीति को किसी तरह से अफेक्ट करती है, या फिर पूरी तरह से सुबह और शाम वाला फर्क है, दक्षिण भारत अलग तरीके से है, उत्तर भारत अलग तरीके से है, इसके मायने केंद्र के साथ ना जुड़े जाएं? ये निजी कर्नाटक के चुनाव है जिसमें सत्ता परिवर्तन हो रहा है, आपका टेक क्या विशाल जी इस पे? जी धन्यवाद, और आपके साथ सभी पैनलिस्टों को और सभी को मेरा नमस्ते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में केंद्र के चुनाव और राज्य के चुनाव दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि जो थर्ड टियर है, जो पंचायत है, जो नगर महापालिका है, उसके भी अपने अलग अलग चुनाव के तरीके होते हैं और चुनाव के मुद्दे होते हैं। जो नेशनल इश्यूज हैं उनका चुनाव अलग होता है, जो कि हम लोकसभा में देखते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उनका चुनाव हम जो है संबंधित प्रदेशों के चुनाव में देखते हैं। और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो लोकल मुद्दे होते हैं, वो हम लोग थर्ड ईयर में देखते हैं। तो ये कह देना कि जो है एक क्षेत्र का चुनाव, एक राज्य का चुनाव, एक प्रदेश का चुनाव ओवरऑल एक सेंट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये तो उचित नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि कर्नाटक की जहां तक बात है, जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कर्नाटक के मामले में तो जहां तक चुनाव के परिणामों की बात है, तो अब तक वहां पर किसी भी दल को रिपीटिशन नहीं मिला है, वहां पर परिवर्तन होता ही रहा है, ये कर्नाटक का एक ऐतिहासिक तथ्य है। दूसरी बात, आज का जो चुनाव परिणाम है, उस चुनाव परिणाम को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये एंटी इनकम्बेंसी का परिणाम, क्यों? क्योंकि चुनाव के वोटों के परसेंटेज की बात करें तो जहां तक अभी मैं देख पा रहा हूं, जो मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 36% का बना हुआ है। हाँ, सीटों में अभी है कमी है, तो ये कह देना कि एंटी इनकम्बेंसी है ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता।
और तीसरी बात कि ये बात भी स्पष्ट हो गया है जो ये परिणाम सामने दिख रहे हैं कि इससे जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट वाली जो पॉलिटिक्स थी उसको भी जनता ने नकारा है। विकास के मुद्दों पर बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो तृप्तिकरण की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो ये कह देना कि अब देखिए आप मुद्दे कहाँ थे, जो अगर देखा जाए तो ये कह देना कि निस्तक की जो है राष्ट्रीय मुद्दों की बात किया, महंगाई की बात कहाँ थी, कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन पीएम ने, आदरणीय पीएम जी ने जो एक विजन सेट किया था, जनता ने कमोबेश उसको एक्सेप्ट किया है। अब ये बात दूसरी है कि ये देखना है कि जो वोट शेयर है वो जेडीएस का वोट शेयर जो है वो कांग्रेस की पाले में जाता हुआ दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को गेन होता हुआ दिख रहा है। और अगली बात जो बार बार कांग्रेस के लोगों की तरफ से ब्लेम किया जाता रहता है जब चुनाव का परिणाम उल्टा होता है कि नहीं ईवीएम खराब है, ईवीएम हैकिंग हो गई, तमाम समय समय पर नेताओं के द्वारा बयान आते रहते हैं लोकतंत्र खतरे में, कम से कम आज तो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं ये जो भी आरोप लगाए जाते हैं जब मनमाफिक परिणाम मिलते हैं तब तो आप आरोप नहीं लगाते हैं, और जब मनमाफिक परिणाम नहीं मिलते हैं तो बस तुरंत जो है वो ठीक रहा इंस्टीट्यूशन पे मर देना, चुनाव ईवीएम पे मर देना, लोकतंत्र खतरे में है। तो आज कम से कम एक लिए एक ये चीज भी उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जब आपकी हो, अपने मन की हो तो सब कुछ बढ़िया है, और जब आपकी अपने मन की ना हो तो आप आरोप लगा दें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है, जनता जनार्दन होती है, तो जनता के मैंडेट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जहां तक मेरा अपना ये सोचना है, और लोकतंत्र की भी यही एक आदर्श स्थिति होती है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस समय डिस्कस करने बाकी हैं, लेकिन मैं आपको दो नेताओं की बाइट सुनाता हूं। पहले डी शिव कुमार की, वो बेहद भावुक होकर उन्होंने कर्नाटका की जनता का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, कांग्रेस रुझानों में सरकार बनाती हुई दिख रही है। आइए पहले उनकी बाइट आपको सुनाते हैं, फिर जो अभी के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं उनकी बाइट भी आपको सुनाऊंगा। पहले डी शिव कुमार को सुनते हैं। I credit my party cadres and my all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership. And we are jointly working. I have said in the beginning, joining there is a beginning. And the day I take with the vote, thinking together is a progress. Working together is a success. That is what I said on the day. I assured Shrimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, and Mr. Kalikar, Mallikarjun Kharge, that I would deliver Karnataka to the board. Once all the results come, because they're all trends are there now, once the results come, we will do the detailed analysis. And as a political party and as a national political party, we'll not only analyze and we'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels. We'll look into that and improve upon it, and we'll take this result in our stride, and we'll go ahead and reorganize the party. Hello? And come back during Lok Sabha election. ठीक है, ये दोनों नेताओं की बाइट आपने सुन ली। सिद्धरमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, एक बार वहां भी आपको लिए चलते हैं। इन कर्नाटका बिकॉज दे आर फेड अप बीजेपी गवर्नमेंट, देर वॉज अ स्ट्रांग आंटी इनकम्बेंसी against the BJP government. The BJP did not come to power, whether it is in 2008 or in 2018, there was no mandate by the people, BJP party. In 2008 also there was a fractured voting. 2018 also there was a fractured voting. In 2008 also they came to power through Operation Kamala. In 2018 also
ऑपरेशन कर ला दे हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी इन ऑपरेशन कर ला बीजेपी जैसे से रुझान सामने आ रहे हैं दो चीजें और साफ समझ जा रही है कांग्रेस में दो धड़े हैं कहा यह जाता है कि शिव कुमार एक धड़ा है सिद्धारमैया दूसरा धड़ा है तो इसलिए दो ऑब्जर्वेशन बकायदा केंद्र से ऑब्जर्वर को भेजा जा रहा है कि वो जाएं कर्नाटक में और स्थिति को देख लें फटाफट से खबर ये भी है कि कहीं MLA इधर उधर ना हो जाए क्योंकि अभी रुझानों में सरकार बन रही है हो सकता है लास्ट में ऐसी जगह पर आके नंबर रुक जाए कि जरूरत पड़ जाए तो इसलिए हेलीकॉप्टरों तक की व्यवस्था भी की जा रही है कांग्रेस ऑलरेडी पहले भी बयान दे चुकी है कि जरूरत पड़ने पर अपने विधायकों को जो जीते हुए विधायक होंगे उनको हैदराबाद ले जाएगी खैर इस बीच BJP की तरफ से भी बयान आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम विश्लेषण करेंगे अभी हमने आपको मिस्टर बोम्मैया की आवाज़ भी सुनाई वो ये बात कह रहे हैं कि देखेंगे विश्लेषण करेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है क्यों सीटें इस बार कम रह गई हैं खैर इसी चर्चा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं मेरे साथ एक और मेहमान भी जुड़ चुके हैं मयूर पारिक हैं एक बार जरा उनका भी एनालिसिस समझते हैं इस चुनावों को लेकर मयूर जी पहले तो आपका भी शुक्रिया देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई पार्टी लोकल मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाए और लोगों से कनेक्ट कर दे उन मुद्दों को और लोग भी उसी तरह से वोट कर दें तो परिवर्तन होता है ये कर्नाटक के चुनावों में दिखा ऐसा नहीं कि बीजेपी ने जोर नहीं लगाया बीजेपी ने भी लगाया बट कांग्रेस का इस बार थोड़ा कंसोलिडेशन वाला एफर्ट्स दिख रहा था आप हमको ये बताइए कि कर्नाटक के चुनाव का केंद्र के चुनाव से कोई लेना देना है कि नहीं लेना देना देखिए कोई भी पॉलिटिकल जब कैंपेन होती है चुनाव होते हैं तो एक दूसरे के साथ में वो चीजें कनेक्टेड भी होती हैं अब कर्नाटक के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो रही हैं बहुत सारे बीजेपी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बेसिन थे वो बीजेपी के हाथ से सरकते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरा का पूरा बॉम्बे कर्नाटका रीजन जो है जहां पे बीजेपी हमेशा स्वीप करता था वहां पे कांग्रेस पार्टी जो है वो अच्छी बढ़त इस समय जो है वो बनाई हुई दिख रही है इतना ही नहीं कर्नाटका के अंदर हमको जो इस समय दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो एग्जिस्टिंग मिनिस्टर्स थे वो ट्रेनिंग में है पूरी लिस्ट है बी श्रीराम लुलू बेल्लारी रूरल से चुनाव लड़ रहे हैं JC मधुस्वामी मुरुगेश निरानी बी से नागेश गोविंद काजरोल वी सोमन्ना डॉक्टर के सुधाकर शशिकला जॉली ये सारे के सारे मिनिस्टर्स थे सबके सब जो है वो ट्रेलिंग में चल रहे हैं इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे कर्नाटका रीजन में भी बीजेपी जो कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था वहां पे बीजेपी ने अपनी सीटें सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को जो है वो यहाँ पर दे दी है इसके अलावा भी हमें बहुत सारे अपसेट देखने मिल रहे हैं हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी ने अपना वोट शेयर जो है वो रिटेन किया हुआ है पिछले चुनाव में जो था उनको 36.4% मिले थे अभी भी वो 36 के आसपास ही कहीं पे चल रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि काउंटिंग अभी चल रही है लेकिन जो बड़ी अपराइजिंग दिख रही है वो हमें कांग्रेस के वोटिंग में साफ तौर पर दिख रही है 5% वोट उनके बढ़ गए हैं और पूरे के पूरे JDS जो थे उसके कम हो रहे हैं लेकिन बावजूद इसके हम ये नहीं कह सकते इस समय जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और वोटिंग प्रोग्रेस में चल रही है तब कि JDS जो है उसी की सीटें कांग्रेस के पास जा रही क्योंकि एक चीज बहुत साफ तौर पे इस समय दिख रही है कि जो लीडिंग पे है जहां जहां कहीं पर भी बीजेपी लीडिंग में है वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर हमारे सामने ये आया हुआ है कि लगभग बीजेपी ऐसी 26 सीटों के ऊपर लीडिंग में चल रही है जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जीती थी अब आप एक बात समझ लीजिए अगर बीजेपी इस समय 66 सीट पर लीड कर रही है जिसमें से वो 26 सीटें कांग्रेस के पास से छीन रही है दैट प्रिसाइसली मींस कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट प्लेस जो है वो लूज कर दी है वो कांग्रेस का शेयर जरूर ले रही है 26 सीटों के ऊपर वो विनिंग में दिख रही है लेकिन 104 यानी कि 54 सीटें जो सीधे सीधे बीजेपी की वो सारी की सारी बीजेपी के हाथों से जाती हुई दिख रही है इसके अलावा और एक शॉकिंग फिगर है वो फिगर ये है कि 12 ऐसी सीटें बीजेपी जीत रही है जो कि JDU के पास
तो अगर आप 12 और 26 को मिला ले तो लगभग आधी सीटें बीजेपी इस समय जो जीत रही है वो दूसरों के पास से छीन रही है। तो उसका मतलब बीजेपी ने अपना जनाधार गवाया। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि अभी तक पूरे फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जो रुझान है, और मैं ये सारे आंकड़े 10th राउंड तक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 10th राउंड तक जो चीजें दिख रही थी वो ये दिख रही थी कि बीजेपी जो भी जीत रही है उसमें, तो ये आपका जो मेन क्वेश्चन था कि क्या बीजेपी को झटका है, तो हाँ बीजेपी को झटका है और इसका सेंटर पर भी असर पड़ सकता है। 2024 के अंदर संघर्ष बढ़ेगा, इसमें ये बात साफ दिख रही है, आपकी भाषा से लग रहा है, आपके आंकड़ों से ऐसा लग रहा है कि 2019 के अंदर शायद जितना बीजेपी के लिए आसान था 2024 के लिए उतना आसान ना हो, कम से कम इस समय ये बात रखी जा सकती है। मैं वापस से विशाल मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। अगर मैं आपसे एनालिसिस करने के तौर पर पूछूँ, आप मेरे को तीन कारण ऐसे गिनवा सकते हैं जिससे कांग्रेस को लीड मिली और बीजेपी को पीछे हटना पड़ा? सिर्फ तीन कारण चाहिए, वो भी छोटे छोटे। जो मुझे लग रहा है, जहां तक मेरी अपनी समझ है, कि जो स्टेट लीडरशिप है, जो प्रदेश का अपना नेतृत्व है, जो प्रदेश का संगठन है, जो आपसी हो सकता है कुछ जो तालमेल ना बन पाया हो, एक कंसोलिडेशन ना बन पाया हो राज्य स्तर के, केंद्र स्तर के क्षेत्रों के, कहीं पे किसी भी प्रकार के इफ और बट का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत ही मेहनत के साथ लड़ती है, चुनाव चुनाव होता है। एक मुझे स्टेट का जो है, जो फैक्शन है, जो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर वर्कआउट करने की आवश्यकता होगी, सोचना चाहिए। परिणाम अभी खैर जो है, रुझान है, उसके बाद जो स्थिति बनेगी। और दूसरा जो कारण मुझे समझ में आ रहा है कि जो आपने सवाल किया कि सीटों का, वो मैं ये कह रहा हूं कि वो सीटों, देखिए वोट परसेंटेज बीजेपी का मेंटेन है, वोट परसेंटेज में कमी नहीं आ रही, तो वोट परसेंटेज में कमी नहीं आ रही है, इसके बावजूद भी सीटों की संख्या घट रही है। इसका मतलब एक चीज तो स्पष्ट है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि कुछ सीटें हैं जिनपे जो ट्रेंड है लीडिंग का, वो बहुत ही 1000-1500 के वोटों के अंतर से है, तो ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि नहीं परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है, या जो को जनता ने सीधे नकार दिया है। ऐसा 15-20-25 सीटों के अंतराल पे ये चीजें दिख रही है। और जो तीसरी बात आप जो कह रहे हैं, वो तीसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है, वो मुझे समझ में ये आ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो 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 जो, जो, जो लोकल फैक्टर रहा, जो उसका अपना चीजें रही, वो कहीं ना कहीं उस चीज को जो है वो मेटलाइज नहीं हो पाया फोटो में। ये तीन कारण मुझे समझ में आ रहे हैं। पहला तो स्टेट लेवल पे संगठन पे कहीं ना कहीं एक तालमेल के सामंजस्य की आवश्यकता यहाँ पे दिख रही है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, कहाँ गलतियां हुई, क्या कमियां रह गई। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वोट का परसेंटेज मेंटेन है, सीटें जो है वो भले कम हुई है इस, और तो परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता, जो कि गवर्नेंस की जहां तक बात है। और तीसरी बात जो ये है, उस तीसरी बात में जो है वोटों का जो अंतर है, जो ये लोकल अपने मुद्दे हैं, हो सकता है कि वहां पर कुछ चीज सीटें मेटलाइज ना हो पाई। ये तीन फैक्टर मुझे समझ में आ रहा। ठीक है, आपने अच्छे से बता दिए तीन कारण की, तीन वजह ऐसी कौन सी रही, आपका अपना एनालिसिस चाहिए, और आप ये बता रहे हैं कि तीन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी को थोड़ा पीछे और कांग्रेस को आगे मूव होने का मौका मिला। अब मेरे साथ दो मेहमान और हैं, सतीश के सिंह हैं, देश के जाने माने पत्रकार रहे हैं और वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही विवेक सिंह भी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विवेक जी, मेरे को आपसे पहला सवाल पता करना है, कर्नाटक में जो सत्ता परिवर्तन हो रहे रुझानों में दिख रहा है, इसके क्या मायने हैं, आपकी कैलकुलेशन, आपका एनालिसिस क्या कहता है? बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोई भी इलेक्शन होता है कहीं ना कहीं उसका असर तो होता ही, कोई भी पार्टी जो जीतती है उसके ऊपर उसका सकारात्मक असर होता है, और कोई पार्टी जो भी हार जाती है उसके ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव होता है। लेकिन देखिए, हमको एक बात नहीं भूलना चाहिए कि जो यहाँ इलेक्शन हो रहा है या जो लोकल इलेक्शन होते हैं, खास करके स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं, उनका ज्यादा प्रभाव जो है केंद्र पर नहीं पड़ता है। तो ये जो 2000 जो कर्नाटक का जो इलेक्शन का जो भी परिणाम होगा, इसका सीधा सीधा कोई असर जो है भारतीय राजनीति पर या लोकसभा के इलेक्शन पर पड़ेगा, ऐसा मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। हाँ, यहाँ पे चाहे जो पार्टी जीते, लेकिन उसका इलेक्शन पे, खास करके लोकसभा के इलेक्शन पे कोई गंभीर असर पड़े ऐसा होता नहीं, क्योंकि स्टेट के अपने इश्यू होते हैं, जनता उन मुद्दों पर देती है, और जो है
केंद्र के अलग मुद्दे होते हैं और जनता उन मुद्दों के आधार पर जो है वोट को करती है। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा और आंकड़े जो है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इसमें जो है सीधा अभी फिलहाल रुझानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लगभग 115 120 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है, 80 90 सीटों पे लगभग जो है बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी भी 20 25 सीटों पे जो जेडीएस है तो 20 25 सीटों पे जो है वो आगे चल रही है। तो ऐसा प्रेडिक्शन आप देखेंगे जो एग्जिट पोल सर्वे थे या जो हम लोगों का आकलन था यही था कि जो टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी में है। हालांकि कांग्रेस वहां से शुरू से ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी लेकिन जब उनका मैनिफेस्टो आया था बजरंगबली के ऊपर उन्होंने एक जो हुआ था उसके बाद उनका स्किन थोड़ा खराब हुआ था लेकिन बाद में उन्होंने उसको संभाला कि हाँ बजरंग दल का बजरंगबली से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो बीजेपी है उसका जो है ज्यादातर तो शुरुआत से लग रहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं करेगी, हो सकता है कि एक असम्मानजनक स्थिति तक पहुंचे। लेकिन जेडीएस के बारे में देखिए एक बहुत बड़ा राय था मेरे ख्याल से लोगों के बीचों में गया, खासकर मुस्लिम मतदाताओं के बीचों में गया कि जेडीएस अगर जीत भी जाएगी तो जेडीएस हो सकता है बीजेपी के साथ जाए। क्योंकि कुमार स्वामी का भी आपने हेडलाइंस में बताया और शुरू से लोगों का हम लोगों का अनुमान था कि ये उन्हीं के साथ जाएंगे क्योंकि ये तो मुश्किल से 20-25 पॉइंट टेकन। सर आपका पॉइंट हमें को समझ में आया जो आप एनालिसिस करके बता रहे हैं कि हम मुस्लिम मतदाताओं को काफी हद तक कांग्रेस ने अपनी तरफ करने में कामयाबी पा ली है। मेरे साथ एक और खास मेहमान है सतीश के सिंह। सतीश सर बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आप इस चुनाव को सर कैसे देखते हैं, आपका एनालिसिस क्या है और 2024 से कोई कनेक्शन है तो ये भी बता दीजिए, अब ज्यादा दूर नहीं है सर वहां से भी। देखिए कई बातें एक साथ बोल रहा हूं। ये चुनावों का जो नतीजा था, जो पहले से सारी बातें आ रही थी, जो समझ में भी आ रहा था, वो स्पष्ट था। बस इतना ही था कि भारतीय जनता पार्टी कितना अपने गैप को कम कर पाती। तो मेरे हिसाब से मैं शुरू से ही बात कह रहा था, लगातार बोला, ये सब मैं एग्जिट और ओपिनियन पोल पे भरोसा नहीं करता। मैं शुरू से कह रहा था कि ये एक तरफा चुनाव और अभी भी मैं कह रहा हूं एक तरफा ही है। तो ये बात है। दरअसल क्या था ना कि देखिए कर्नाटक का सवाल आपने पूछा है तो कर्नाटक का की जनता बनाम दिस ये गवर्नमेंट थी, मतलब जिसको 40% सरकारा का एक स्लोगन देके कांग्रेस वालों ने बुलंद किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को समझा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद खराब, इसलिए इन्होंने 22 रैलियां की, इतने रोड शो किए। क्योंकि अब आप कह सकते हैं जो अभी तक रुझान आए उसके हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी का या यूं कहें मोदी जी का कोई मतलब एक रिस्पेक्टेबल लॉस है। ये नहीं कह सकते कि एकदम से जो है बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। एक मतलब शुरू में लग रहा था कि बिल्कुल सुपड़ा साफ है, इसलिए कोई विधानसभा चुनाव में कोई और नेता का नाम नहीं हो, मोदी जी का ही नाम हो, वही उतर जाए जमीन पे, तो ये एक बात थी। दूसरी बात जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आज रहती वहां तो मेरा मानना था कि वो 150 सीट लाता। आप समझ लीजिए इस चीज को, उनका संगठन, उनका चुनाव प्रचार करने का तरीका, पूरा एफर्ट लगा देते हैं सब कुछ। कांग्रेस में अभी कमी है लेकिन इतना जरूर कहना पड़ेगा, जरूर कहना पड़ेगा और इस बात को अंडरलाइन करिए कि ये पहली बार मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी ने सालों बाद एक मुस्त होके एक इकट्ठा होके कैंपेन के फॉर्म में पूरा एक चुनाव लड़ा। पहली बार, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि सारे नेतागण, सेंट्रल लीडरशिप, भाई बहन, मां, फिर कर्नाटक के दो कद्दावर नेता जो कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं खड़गे साहब। नहीं, ये बात आप सतीश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये हमने देखा है कि केंद्र की लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप एक साथ ही इसके चुनावों में थी कांग्रेस के, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। मयूर सिंह मेरे को एक आपसे एक लास्ट सवाल आपसे पता करना है, भारत जोड़ो यात्रा का भी थोड़ा बहुत क्रेडिट जोड़ा जा रहा है कि दक्षिण भारत में उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था इसलिए कर्नाटक में वो लहर अभी भी काम कर गई। सर हिंदी भाषी प्रदेश में बिल्कुल चुनावी अलग तरीके से होते हैं, अलग मुद्दे होते हैं, अलग विचारधारा सोच तक अलग है, लिटरेसी रेट तक अलग होती है ना। कांग्रेस ये रिपीट कर सकती है किसी हिंदी भाषी स्टेट में जहां चुनाव होने?
नहीं नहीं ये बहुत डिफिकल्ट, ये देखिए ये स्टेट टू स्टेट पर जो है ये निर्भर होता है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी पहले से ही मजबूत थी, तो जो प्रयत्न किए गए उसका रिजल्ट उन्हें मिला। अगर यही बात आप ऐसे किसी स्टेट में जाकर कांग्रेस पार्टी जो है वो दिखा दे, ये आंध्र प्रदेश में इस तरह का चमत्कार दिखा दे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जहां तक आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की जो पूरी की पूरी देश की यात्रा हो गई, वो यात्रा का असर इस चुनाव के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे हुआ हो ऐसा मैं बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्रेडिट दिया जाना भी देखिए, इतने सारे पोल हुए, इतने सारे सर्वे हुए, वो सारे सर्वे के अंदर ये पूछा गया था कि भी राहुल गांधी का कर्नाटक के चुनाव में लोग वोट करने के लिए कितने परसेंट लोग उनको फैक्टर मानते, तो 1%, 1% लोगों ने कहा था कि हम राहुल गांधी को देखकर वोट दे रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि नहीं, साउथ में यानी कि कर्नाटक में जो बीजेपी जो बीजेपी की हार हुई है और कांग्रेस की जीत हुई है उसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा शेयर हो तो ये चीज पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो हिंदी भाषिक बेल्ट है, जो नॉर्थ इंडिया में जैसी आओगे वहां की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, और यही चीज हमें आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले जिन राज्यों में वहां पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, अच्छे से आपने एनालिसिस करके हमको बताया और ये बात समझ में आती है कि बीजेपी एक अच्छे से इलेक्शन को कैंपेन करके जीतने में काबिलियत रखती है। शायद एक बार का झटका दूसरी बार के लिए लेसन भी हो जाए तो वो भी प्रिपेयर हो जाए, और कांग्रेस के लिए भी ये जीत है कि एकजुटता उन्होंने दिखाकर कैसे एक राज्य के अंदर सत्ता परिवर्तन भी करके दिखा दिया। तो दोनों के लिए अपने अपने लेसन है, अपनी अपनी सीख है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में और चुनाव होने हैं, केंद्र के भी चुनाव हैं, तो सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। मयूर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विशाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सतीश सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, और विवेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले को एनालिसिस हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।